कैसे हमजद खान शोले के गब्बर से फेमस हुए, कैसे विलेंस की हिट लिस्ट में टॉप पर आए, कैसे अपनी भारी भरकम आवाज से मचा दिया हड़कंप, जानेंगे ये सब इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। उन्नीस में आई डायरेक्टर रमेश सिप्पी की फिल्म शोले ने कई सारे रिकॉर्ड तोड़े। हर वो व्यक्ति जो इस फिल्म में काम कर रहा था, जो इस फिल्म से जुड़ा था, रातों रात फेमस हो गया। किसे पता था ये फिल्म बॉलीवुड का सबसे खतरनाक विलन देने जा रही है। एक ऐसा विलन जिस पर उस समय की सरकार ने 50,000 का इनाम रखा था, जो की आज के 50 करोड़ रुपए के बराबर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शोले फिल्म की जान और विलन की पहचान गब्बर सिंह यानी की अमजद खान की। अमजद खान का जन्म 12 नवंबर 1940 को बॉम्बे में एक सुन्नी मुस्लिम पठान फैमिली में हुआ था। इनके पिता का नाम था जयंत, जो कि खुद भी एक एक्टर थे। अमजद खान के एक भाई जिनका नाम इम्तियाज खान था, जो खुद भी एक एक्टर थे, 15 मार्च 2020 को उनका मुंबई में निधन हो गया था। अमजद खान की पढ़ाई मुंबई से ही हुई थी। अपने भाई इम्तियाज खान के साथ में ही शुरू से ही स्कूल और कॉलेज में एज अ थिएटर आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया था। फिल्मों में आने से पहले इन्होंने सिर्फ थिएटर पे ही ध्यान दिया और अदाकारी की कई बारीकियां सीखी। बतौर चाइल्ड एक्टर 11 साल की उम्र में ही 1951 में आई फिल्म नाजनीन में उनको चांस मिला था। फिर उसके बाद 17 साल की उम्र में 1957 में आई मूवी अब दिल्ली दूर नहीं में भी चांस मिला। के आसिफ साहब की फिल्म लव एंड गॉड में भी उनको असिस्ट किया और साथ ही इस मूवी में एक्टिंग भी की। पर ये फिल्म अधूरी ही रही क्योंकि 1971 में के आसिफ साहब का निधन हो गया था। फिर फाइनल ये मूवी जाकर रिलीज हुई 1986 में। 1973 में आई फिल्म हिंदुस्तान की कसम में एक छोटा सा रोल भी मिला, लेकिन अभी तक कुछ खासा कमाल नहीं कर पाए थे बड़े पर्दे पर। इसके बाद 1975 में राइटर सलीम खान की नजर पड़ी अमजद खान पर और उन्होंने उनको चांस दिया शोले फिल्म में डकैत गब्बर सिंह के रोल का। इसके बाद अमजद खान ने डकैत का रोल करने के लिए कई सारी रिसर्च की और कई सारी बुक्स भी पढ़ी। इनमें से एक बुक का नाम था अभिशप्त चंबल। ये बुक चंबल के डकैतों के ऊपर लिखी गई थी और इसको लिखा था जया भादुरी यानी जया बच्चन के पिताजी और अमिताभ बच्चन के ससुर साहब श्री तरुण कुमार भादुरी ने। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद गब्बर सिंह के किरदार ने सबका दिल जीत लिया। उनके द्वारा और उनके लिए बोले गए डायलॉग्स आज भी बच्चे और बूढ़ों की जुबान पर देखे जा सकते हैं। ये फिल्म बॉलीवुड की अभी तक की सबसे आइकॉनिक फिल्म बनी हुई है। इस फिल्म से धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और संजीव कुमार को अच्छी खासी फेम मिली और इसके साथ एज अ बेस्ट एक्टर उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। एक फैक्ट बताता हूँ, गब्बर सिंह एक ऐसा विलन था जिसने पहली बार किसी एड में काम किया था। इससे पहले और आज तक किसी भी विलन के कैरेक्टर ने किसी भी एड में काम नहीं किया। इस एड के लिए अमजद खान ने गब्बर सिंह का कैरेक्टर प्ले किया था और इसकी एक टैगलाइन भी फेमस हुई थी, गब्बर सिंह की पहली पसंद। इसके बाद अमजद खान ने 70s से लेकर 90s तक कई सारे नेगेटिव रोल्स किए, लेकिन शोले के गब्बर सिंह को वो खुद भी मात नहीं दे पाए थे। 1977 में आई फिल्म शतरंज के खिलाड़ी, जो कि मुंशी प्रेमचंद की एक नॉवल पर आधारित थी, इस फिल्म में अमजद खान ने एक भ्रमित और असहाय सम्राट की भूमिका निभाई थी। ये पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक गाना डब किया था। इस गाने का नाम था तड़प तड़प सगरी रैन गुजरी। इसके अलावा साल 1981 में कुछ फिल्मों में पॉजिटिव रोल्स भी किए, जिसमें से हैं याराना, लावारिस, रॉकी और कमांडर। इसके साथ ही साल 1988 में मर्चेंट एवरी की एक इंग्लिश फिल्म द परफेक्ट मर्डर में अंडरवर्ल्ड डॉन का भी किरदार निभाया था। कुछ फिल्में ऐसी थी जिनमें उन्होंने कॉमिक रोल किए, उनके कॉमिक रोल के किरदार को सभी लोगों ने खूब सराहा था। जिनमें से कुछ फिल्मों के नाम है 1980 में आई फिल्म कुर्बानी, लव स्टोरी और 1986 में आई चमेली की शादी, जो कि मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है। अमजद खान ने गब्बर सिंह का रोल दोबारा से निभाया 1991 में आई फिल्म रामगढ़ के शोले में, जहां पर गब्बर सिंह के अड्डे पर राज करने लगता है जब्बर सिंह। बाद में गब्बर सिंह जब्बर सिंह को मारकर अपने अड्डे पर दोबारा से कब्जा कर लेता है और फिर से सरदार बन जाता है। इस फिल्म में आपको महानायक देवानंद, अमिताभ बच्चन, गोविंदा और अनिल कपूर के डुप्लीकेट्स भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इस फिल्म में ये ही लीड कैरेक्टर्स के रोल में है। अमजद खान ने एज अ डायरेक्टर दो फिल्में बनाई, जिनमें से पहली है 1983 में आई चोर पुलिस, जो कि हिट नहीं हुई थी। लेकिन इसके बाद 1986 में एक फिल्म बनाई जिसका नाम था अमीर आदमी गरीब आदमी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हुई थी। अमजद खान को हिंदी फिल्म जगत में सभी लोग आदर और सम्मान देते थे। इसके साथ ही वो एक्टर गिल्ड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी थे। 1972 में अमजद खान ने शादी की शैला खान से। उनके एक बेटा और दो बेटी हैं। उनका एक बेटा शादाब खान, वो भी एक एक्टर रह चुके हैं। 1997 में आई फिल्म राजा की आएगी बरात से शादाब खान ने डेब्यू किया। उसके साथ ही ये फिल्म रानी मुखर्जी की भी पहली हिंदी डेब्यू फिल्म थी। हिंदी फिल्म जगत में बेहतरीन अदाकारी और दमदार आवाज के साथ पहचान बनाने वाले अभिनेता अमजद खान ने मात्र 51 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन का कारण था दिल का दौरा। खैर, कलाकार कभी नहीं मरता। कलाकार के द्वारा किया गया अभिनय और कलाकारी उसको मरने के बाद भी जिंदा रखती है। उसी तरह अभिनेता अमजद खान साहब भी आज
भी सभी कलाकारों की इंस्पिरेशन बने हुए हैं। तो ये थी अमजद खान साहब के बारे में कुछ जानकारी। इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा, मिलते हैं कलाकार के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो पर कॉमेंट करें, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।